राष्ट्रीय शहरी समाज का पारिवारिक मिलन समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन भिलाई सेक्टर 6 में किया गया, जिसे बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार शामिल हुए। उन्होंने समाज के लिए स्वयं का भवन बनाने हेतु सहयोग प्रदान करने की बातें कही। भिलाई वैश्य तैलिक समाज ने रविवार को अपना पारिवारिक मिलन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं विवाह योग्य युवक युवतियों ने स्वयं मंच पर आकर अपना परिचय उपस्थित जन समुदाय के समक्ष रखा, जिससे समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में उनके परिजनों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए और वह अपने पुत्र और पुत्री के लिए उपयुक्त वर एवं वधु का चयन कर सकें। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार उपस्थित हुए एवं समाज के संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए जामुल इकाई को 10 लाख रुपये भवन के लिए देने की घोषणा की, तो वहीं भिलाई इकाई को भूमि चयन के उपरांत भवन बनाने हेतु पूर्ण सहयोग देने की बातें कही। और साहू समाज की बात करूं तो प्रदेश में कहीं भी चले जाए आपके समाज में एकता देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस समाज में एकता हो निश्चित तौर पे उस समाज का विकास कोई नहीं रोक सकता। और समय समय पे सामाजिक बैठक होना भी चाहिए ताकि समाज के विचार, समाज की दिशा और हमारे नौजवान पीढ़ी को हम किस दिशा में लेके जाए उसकी रूपरेखा हम बना सके और समाज को सुचारू रूप से चलाए। अगर मैं मेरे प्रदेश के बाद अपने विधानसभा की बात करूं तो मेरे विधानसभा में भी साहू समाज सबसे ज़्यादा है अहिवारा विधानसभा में। अभी जैसे कि भवन की बात चल रही थी, सबसे ज़्यादा अगर भवन किसी को दिया हो तो साहू समाज को ही दिया हो और रिकॉर्ड ये मेरे पास है। वैश्य तैलिक समाज भिलाई के अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में न्यूज टीम को जानकारी दी एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरु रुद्र कुमार का उनके सहयोग के लिए आभार भी जताया। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने वैश्य तैलिक समाज को अपने विधानसभा का सबसे बड़ा समाज बताया और आने वाले समय में हर प्रकार के सहयोग की बातें कहीं। साथ ही भिलाई इकाई द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की दिल से सराहना भी की। समाज के साथ हम हमेशा हैं, हमारी सरकार साथ में और समाज के विकास के लिए हर स्तर पर जिन चीज़ों की आवश्यकता हो हर स्तर पर हमारे सहयोग रहेगा। जामुन में मांग करें तो वहाँ पर हम फैसला करें साथ ही साथ इस आज के इस पावन पर्व पर हम भक्त माता कर्मा जी से प्रार्थना भी करते हैं कि सबके अपने अच्छी कृपा और आशीर्वाद। आज हमारे वैश्य तैलिक समाज के कर्मा जयंती के युवक पत्र सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे क्षेत्र प्रदेश के लोकप्रिय नेता और हमारे मंत्री ने हमें आदरणीय अतिथि गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया हमारे समाज को 10 लाख रुपए की घोषणा की, उन्होंने भी जामुन में भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दिए हैं। हमारे पूरा समाज पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ साहू समाज हमारे अहिवारा विधानसभा के साहू समाज के समस्त लोग आपके इस सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हमारा समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। आप जैसा निर्देश करेंगे हम आपके साथ जीवन भर खड़े रहेंगे। आपका आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत। आज हम लोग यहाँ पे भारतीय तैलिक साहू समाज का परिचय सम्मेलन और आराध्य देवी भक्त माता कर्मा जी के जयंती मना रहे हैं और हम समाज को और समाज के साथ ही संपूर्ण प्रदेश को एक संदेश देना चाहेंगे। तो जैसे हमारे आराध्य देवी भक्त माता कर्मा जी ने श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही पूरे समाज को और प्रदेश को एक मिलजुल कर श्रद्धा से समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए, ये एक संदेश मैं देना चाहूँगा। और आज हमारा समाज पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़े हिस्से में और सभी जगह सभी जिलों में कस्बों में आज ये कर्मा जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। ये बड़े गर्व के विषय है कि आज आराध्य माता देवी माता जी कर्मा जी के सानिध्य में पूरे समाज को एकत्रित कर पा रहे हैं और विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं। आज का आयोजन बहुत ही अच्छा सफल है और एक तो माँ कर्मा की जयंती
और परिचय सम्मेलन, दोनों का बहुत अच्छा सहयोग है। और कोरोना काल में ये जो रुक गया था परिचय सम्मेलन का स्थानिक प्रोग्राम, वो आज बहुत अच्छे से हुआ है। वैसे हमने कोरोना काल में ऑनलाइन परिचय सम्मेलन भी करवाया था देवरी महाराष्ट्र में, वो भी काफ़ी सफल रहा। और यहाँ भी मैं सभी बच्चों, आए हुए सभी बच्चों को मैं अपना आशीर्वाद दूंगी, शुभकामना दूंगी कि उनका मनचाहा जीवन साथी मिले और उन सब की जम जाए जोड़ी। धन्यवाद। भिलाई वेस्ट से तेली समाज का आज वैवाहिक युवक युवती परिचय सम्मेलन और पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में अनेक युवक युवतियों ने अपना अपना परिचय दिया, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों तथा महाराष्ट्र के भी युवक युवती इस परिचय सम्मेलन में शामिल हुए और इसका लाभ हमारे समाज को भविष्य में मिलेगा, यही शुभकामना है। धन्यवाद। युवक युवती परिचय सम्मेलन भिलाई में आज के दिन रखा गया। यहाँ मंत्री आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग आए, उमेश जी आए और हमारे सुभाष भाई संरक्षक आए, हाँ रुद्र गुरु जी आए। बहुत अच्छा लगा और सक्सेस हुआ है यहाँ कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, मैं आभारी हूँ। हमारे आए गंगा प्रसाद गुप्ता, वेस्ट तेली समाज अध्यक्ष। मिलाई। कोई भी समाज उत्तरोत्तर तरक्की तभी करता है जब समाज के मार्गदर्शक या यूं कहें कि कमान संभालने वाले उस काबिल हों। जैसे कि वैश्य तैलिक समाज के मार्गदर्शक और पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, इस वजह से आज वैश्य तैलिक समाज उत्तरोत्तर विकास की ओर एक नई इबारत लिखता जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।